दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्या और हार्दिक ने मिलकर अहमदाबाद में मचाई तबाही। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जहां पर सूर्या और हार्दिक ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया। तो आखिरकार कैसे सूर्या और हार्दिक ने मिलकर टीम को जीत दिलाई है तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या और हार्दिक में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक रोमांचक अभ्यास मुकाबला खेला गया, जहां पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बना दिए, जहां पर भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की तरफ से बेसवेल ने 52, एलन ने 53 और ग्लेन फिलिप्स ने 101 रन की पारी खेली। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से मलिक ने 3 विकेट लेकर तहलका मचाया। लेकिन इसी बीच 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम के सामने भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज ईशान किशन और पृथ्वी आए तो न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि कीवी टीम के गेंदबाजों के सामने दोनों अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों को उतारना भारत की एक अलग रणनीति थी। हालांकि इस रणनीति में न्यूजीलैंड के गेंदबाज तो नहीं फंसे, लेकिन भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज अपने जाल में स्वयं फंस गए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले दो ओवर के अंदर दो भारतीय टीम को दो बड़े झटके लग गए, जहां पर पहले ओवर में डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी रन न देते हुए पृथ्वी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए। तो वहीं दूसरी तरफ से ईशान किशन दूसरे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर एक रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, लेकिन एक तरफ से सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाल लिया तो दूसरी तरफ से राहुल त्रिपाठी भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सैंटनर ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया और राहुल त्रिपाठी को 5 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा आए। तो वहीं एक तरफ से दीपक हुड्डा ने पारी को संभाल लिया तो दूसरी तरफ से सूर्या ने छक्के और चौके की बारिश करते हुए तहलका मचा दिया। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक तरफ से पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और मंजिल खड़ी करने के लिए नींव रख दी और दिखा दिया कि आज भारतीय टीम के लिए सूर्या जीत दर्ज करने का कार्य कर देंगे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने एक तरफ से छक्के और चौकों की बारिश लगा रखी, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते रहे, जहां पर 10वें ओवर में दीपक हुड्डा 44 रन का योगदान देने के बाद अपना विकेट दे बैठे। दरअसल इनको लॉकी फर्गुसन की गेंद पर LBW आउट होना पड़ गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, जिसके ऊपर इस मुकाबले में जीत दिलाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बाकी था, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने सेंटनर को आड़े हाथों ले लिया और छक्के चौकों की बारिश कर दी। दरअसल दोस्तों 13 ओवर में पहली गेंद पर सेंटनर को चौका लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक 21 गेंदों पर पूरा किया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने आगे ओवर में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लगातार अगली सभी गेंदों पर बाउंड्री लगाते हुए ओवर में 3 छक्के और 3 चौके के साथ 32 रन बटोर दिए और दिखा दिया कि आज उनके रौद्र रूप से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन मुकाबला तब जाकर रोमांचक हो गया जब जीत के लिए 2 ओवर में 26 रन की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने चौका लगाकर अपने विकेट लॉकी फर्गुसन की गेंद पर बाउंड्री पर खड़े फिलिप्स के हाथों कैच आउट होकर 32 रन के स्कोर पर दे दिया। तो वहीं इसके बाद सूर्या ने एक चौका लगाकर स्ट्राइक अंतिम गेंद पर अपने पास रख ली, लेकिन मुकाबला अभी भी काफी ज्यादा रोमांचक स्थिति पर था, क्योंकि जीत के लिए अंतिम ओवर में 20 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए आए मिचेल सैंटनर ने सूर्य कुमार यादव को काफी ज्यादा परेशान किया और 2 गेंदों पर 1 भी रन नहीं बनाने दिए, लेकिन अगले 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर सूर्या ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। लेकिन अभी भी अंतिम 2 गेंदों पर 13 रन की आवश्यकता थी। इसी बीच गेंदबाज ने गलती करते हुए एक दिशाहीन डाल दी और 1 रन मुफ्त में बल्लेबाज को दे दिया, तो अब 2 गेंदों पर 2 छक्के की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में सूर्या ने 5वीं गेंद पर सामने की तरफ 88 मीटर का छक्का लगा दिया दोस्तों और गेंदबाज के ऊपर दबाव डाल दिया, क्योंकि अंतिम गेंद पर जीत के लिए 6 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में सूर्या ने सामने की तरफ एक और छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और 103 रन की नाबाद पारी खेली। तो इनकी शतकी पारी और भारतीय टीम को मिली अभ्यास मुकाबले में जीत को देख टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और अंतिम मुकाबले में जीत की उम्मीद कर बैठा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।